हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं हूँ सितमा और आप सभी का सितमास किचन में बहुत बहुत स्वागत है। अभी मटर का सीज़न है तो इसीलिए आज हम बनाएंगे फ्रेश मटर और आलू का पराठा। इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे जिससे ये पराठा बनेगी बहुत ही टेस्टी और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। और दोस्तों, ये सर्दियों के सीज़न के लिए एकदम परफेक्ट है। तो चलिए झटपट इसे बनाना हम शुरू करते हैं। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक के बटन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो आलू मटर पराठा बनाने के लिए मैंने लिया है 1.5 कप फ्रेश मटर। दोस्तों, ये मटर के सीज़न है तो इसीलिए मैंने फ्रेश मटर का इस्तेमाल किए हैं। आप चाहे तो फ्रोज़न भी ले सकते हैं। और उसी के साथ मैंने लिया है 1 उबले हुए आलू, इसको मैंने छील लिया है। तो अब चलिए मटर को हम उबाल लेते हैं। तो उसके लिए एक कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा पानी गर्म कर लिया है। अब गर्म पानी में मैं मटर को डाल देती हूँ। तो इसे हमें पकाना है मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ पर मैं 1 छोटा चम्मच नमक डाल देती हूँ ताकि ये जल्दी जल्दी पक जाए। और इसे ढक देती हूँ और इसे ढक के मीडियम फ्लेम पे 5 से 6 मिनट पका लेती हूँ। 5-6 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर मटर को चेक कर लेना है कि मटर हमारा सॉफ्ट हुई है कि नहीं। और आप देख सकते हैं मटर हमारा अच्छे से पक चुकी है, ये सॉफ्ट हो चुकी है। तो अभी गैस बंद करके मटर को छान लेते हैं। तो मैंने इसे एक छन्नी में छान लिया है। आप चाहे तो इसे थोड़ा सा ठंडे पानी से धो सकते हैं क्योंकि कई बार मटर का स्मेल रह जाते हैं। तो अभी मैं इसे 5 से 10 मिनट खुला छोड़ देती हूँ ताकि इससे एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और चलिए इस दौरान हम पराठा के लिए आटा तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए एक बड़े से बर्तन में हम लेंगे 1.5 कप गेहूं का आटा। आटे में हम सबसे पहले मिलाएंगे स्वाद अनुसार नमक या फिर 1 छोटा चम्मच नमक और उसी के साथ 1 बड़े चम्मच घी। आप चाहो तो तेल भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो अभी थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के नरम आटा गूंथ कर तैयार कर लेना है। तो आप यहाँ पे एक साथ ज़्यादा पानी ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और साथ साथ बहुत ही अच्छे से गूंथ लें। तो दोस्तों, आटे को हमें मसल मसल कर गूंथना है क्योंकि जितना अच्छे तरीके से आप इसे माथेंगे उतना ही बढ़िया, उतना ही सॉफ्ट आपके पराठा तैयार होंगे। तो इसे हमें 5 से 6 मिनट मसल मसल कर गूंथ लेना है और इसे गूंथते में आपके हाथ का एक्सरसाइज भी हो जाएगा। तो 5 से 7 मिनट मैंने ये आटे को एकदम नरम करके गूंथ लिया है और आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही हमें पराठा के लिए आटा तैयार कर लेना है। तो आप इसे ढक के 10 मिनट आराम करने देते हैं। और चलिए इस दौरान हम मटर और आलू के स्टफिंग्स तैयार कर लेते हैं। और दोस्तों, इस दौरान मटर से एक्स्ट्रा पानी निकल गए हैं, फिर भी एक टिश्यू पेपर से इसे ऐसे पोंछ लेते हैं ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी रह गया हो वो टिश्यू पेपर अब्सॉर्ब कर सके। आप चाहो तो ये मटर को एक सूखे कपड़े से पोंछ सकते हो। और इसके बाद अभी हम हाथों से इसे स्मैश कर लेते हैं। आप चाहे तो मिक्सी में इसे एक बार चला सकते हैं, पर हाथों से ऐसे स्मैश करने से ये पूरी तरह से पेस्ट नहीं होगा और पराठा में मटर का एक बढ़िया स्वाद आप पाएंगे। पर आप चाहो तो इसे मिक्सी में 1-2 बार चला सकते हो, पर ध्यान रखना है इसका हमें पेस्ट नहीं बनाना है, यानी कि इसमें कुछ कुछ मटर के दाने रहना चाहिए। साथ साथ एक बॉइल्ड आलू को यहाँ पे मैंने मैश कर दिया है और इसे मैश करना है मटर के साथ। तो अभी इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे डाला है 1/2 छोटा चम्मच घिसा हुआ अदरक और 2 चॉप्ड हरी मिर्च, साथ साथ 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो अभी इसमें डाल देती हूँ 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। उसी के साथ 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर ऐड कर देना है यहाँ पे। यहाँ पे मैंने 1/4 छोटा चम्मच अजवाइन डाला है, साथ साथ 1/2 छोटा चम्मच अमचूर का पाउडर। पराठा में हल्का सा खट्टापन इसे और भी ज़्यादा टेस्टी बनाएगा। तो अभी यहाँ पे क्या डालें, थोड़ा सा भुनी हुई कसूरी मेथी को ऐसे हाथों से रब करके डाल देती हूँ। इससे एकदम ढाबा जैसा टेस्ट आएगा पराठा में। बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल देती हूँ और ये आलू मटर पराठा में थोड़ा सा चॉप्ड हरा धनिया डालना बिल्कुल ना भूलें। तो अभी यहाँ पे डाल देती हूँ एक बहुत ही खास चीज़, वो है थोड़ा सा सूखा आटा। और सारे चीज़ों को एक साथ मिक्स कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सूखा आटा क्यों डाला है, दोस्तों आलू और मटर में जो थोड़ा सा मॉइस्चर होंगे, थोड़ा सा सूखा आटा ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा। आप चाहो तो इसके जगह सत्तू भी यूज़ कर सकते हो या फिर मैदा भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 1-2 चम्मच सूखा आटा का इस्तेमाल किया है। और आटा मिलाने के साथ साथ ही आप देख सकते हैं हमारा बढ़िया सा मज़ेदार स्टफिंग्स बिल्कुल तैयार है। तो इसमें मैंने अभी तक नमक नहीं डाला है क्योंकि जैसे ही मैं इसमें नमक डालूंगी ना, ये मिश्रण मॉइस्चर छोड़ने लगेगा।
तो इसीलिए एकदम लास्ट में आप यहाँ पे नमक ऐड करें और नमक डालने के साथ साथ ही आप इसे अच्छे से मिलाएं और साथ साथ ये मिश्रण को आप पराठा बनाने में यूज़ करें। तो हमारा आटा भी तैयार है, स्टफिंग्स भी तैयार है, तो अब चलिए पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें आटा को एक दो बार गूंथ लेना है और आप देख सकते हैं पराठा के लिए एकदम नरम आटा मैंने गूंथ लिया है। तो अब इससे हम नींबू के जैसे लुइया तोड़ लेते हैं और इतना आटा से आप 5-6 लुइया आराम से तोड़ सकते हैं। तो पहले एक लुइया लेकर गोल करेंगे और फिर थोड़ा सा फ्लैट करके इसको हम बेलेंगे। इसके ऊपर हम हल्का सा आटा छिड़क देंगे ताकि बहुत ही आसानी से हम इसे बेल सकें। और इसे हमें पहले एक पूरी के जैसे बेलना है क्योंकि हम इसमें स्टफिंग्स भरने वाले हैं। और ये देखिए, इसको मैंने एक पूरी के साइज़ में बेल लिया है। अभी इसमें हम भरेंगे 2 बड़े चम्मच स्टफिंग्स। स्टफिंग्स आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे डालकर बिल्कुल थोड़ा सा आटा इसके ऊपर छिड़क दें ताकि स्टफिंग्स को हम बहुत ही आसानी से भर सकें। अब इसके सारे किनारों को एक साथ ऐसे जुड़ देना है, बिल्कुल ऐसे, और ये स्टफिंग्स को ऐसे भर देना है। और ये थोड़ा सा आटा को आप डो में मिला लीजिए। तो अभी इसे ऐसे हाथों से गोल कर ले और थोड़ा सा फ्लैट करके पहले इसे उंगलियों से ऐसे दबाते हुए थोड़ा सा बड़े कर लेंगे ताकि ये स्टफिंग्स पराठा के चारों तरफ इक्वली फैल जाए। और इसे हमें नॉर्मल रोटी के जैसे बेलना है। दोस्तों, आप अपनी पसंद अनुसार पराठा के शेप और साइज रख सकते हैं। मैं इसे गोल बनाऊंगी पर इसे थोड़ा सा मोटा बेलना है क्योंकि दोस्तों पराठा अगर थोड़ा सा मोटा ना हो तो खाने में क्या मज़ा। सेंटर और किनारों में एक ही जैसे थिकनेस रखने की कोशिश करें। और हाँ, पराठा को बेलते वक्त इसमें थोड़ा थोड़ा करके स्टफिंग्स दिख जाए तो ये अच्छी निशानी है दोस्तों। इसका मतलब हमारा पराठा सही बन रहे हैं और ये पराठा खाने में ज़्यादा टेस्टी बनेगी दोस्तों। तो आप अभी देख सकते हो इसे मैंने बढ़िया तरीके से बेल लिया है। इसकी थिकनेस ऐसे रखें, आप देख सकते हैं इसको मैंने हल्का सा मोटा बनाया है। तो चलिए झटपट पराठा को सेक लेते हैं। तो उसके लिए मैंने लिया है एक तावा, ये नॉनस्टिक का तावा है, आप लोहे का तावा भी ले सकते हैं। तो पहले तावे को थोड़ा सा गर्म कर लें और अभी हम ये पराठा को डाल देते हैं तावे के ऊपर। तो अभी इसे मीडियम फ्लेम पे सेक लेना है। पहले हम पराठा के नीचे का पार्ट को थोड़ा सा सेक लेंगे और 1 मिनट के बाद अभी इसे पलट देंगे। आप देख सकते हैं नीचे का पार्ट थोड़ा थोड़ा करके सेक चुके हैं। तो दूसरे पीठ भी बिल्कुल इसी तरह से हम और 1 मिनट सेक लेते हैं। तो पहले ही इसमें तेल ना डालें, इसको दोनों साइड से पहले थोड़ा थोड़ा करके सेक लें। और ये देखिए, दोनों साइड से इसे मैंने थोड़ा थोड़ा करके सेक लिया है। जैसे ही ये थोड़ा थोड़ा करके सेक जाएगा तब साइड से इसमें डालें 1 छोटा चम्मच घी और फिर इसे दोनों साइड से और कुछ सेकेंड सेक लें। आप देख सकते हैं आलू मटर का पराठा कितना बढ़िया गोल्डन होकर दोनों साइड से सिक चुके हैं और इसमें मटर भी दिख रहे हैं जो इस पराठा का सबसे खास बात है। झटपट इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और आप अभी देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा आलू मटर के पराठा बिल्कुल तैयार है। सुबह सुबह ये आलू मटर के पराठा को आप गरम गरम इंजॉय करें, आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो बिल्कुल इसी तरह से हम बाकी पराठा को भी सेक लेंगे और ये देखिए हमारा दूसरा पराठा भी एकदम बढ़िया सेक कर तैयार हो चुकी है। तो इसी तरह से हम बाकी पराठा को भी सेक लेंगे। दोस्तों, ये पराठा जितना सॉफ्ट बने हैं ना उतना ही क्रिस्पी भी बने हैं और इसके अंदर का मज़ेदार स्टफिंग्स आपको बहुत ही बढ़िया लगेगी। तो फ्रेश मटर, आलू और कुछ खास मसालों से बनी हुई ये पराठा सर्दियों के सुबह में जब आप गरम गरम खाओगे तो आप इसके दीवाने हो जाओगे। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू, टेक केयर, हैव ए लवली डे।